student, today's I'll start new topic online classes. This topic is a very very important. Students, be careful and requested from the students. Please, NCERT memory like as the bias. To video like, share, subscribe, bell icon. The student, today's arms boards write the this topics importance. This topic is a collected NCERT book regarding the student to see on board and start the topic. The student today the take the topics subtract and the reagents. यानी हमारा जो है subtract होता क्या है और reagent क्या होते हैं इसके ऊपर हम लोग discuss करेंगे. Subtract just like as a base of any substances. यानी किसी base पर कोई ठीक है अदर सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्टिंग सब्सटेंस को रिएजेंट कहते हैं और उस बेस को जो है हम सब्ट्रैक्ट कहा जाता है. बात समझ में आ रहा है. फॉर एग्जांपल के माध्यम से हम डिनोट कर रहे हैं ये जो है एथीन है जिसको एसिटिलीन के नाम से जानते हैं. ये एथीन है. एथीन रिएक्ट टू डाई ब्रोमीन आर ब्रोमीन टू फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स. यानी यह जो है सब्ट्रैक्ट ठीक है एथीन और यह रिएजेंट इस पर अट्रैक्ट किया तो अट्रैक्ट करते हैं तो यह बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद यह जो है ठीक है सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड हो जाते हैं तो जैसे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसको हम जो है प्रोडक्ट करते हैं. यानी सब्ट्रैक्ट एंड रिएजेंट रिएक्ट टू फॉर्म नोन एज ए प्रोडक्ट. यानी सब्ट्रैक्ट और रिएजेंट जब दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद जो फॉर्म देते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं. जो ये प्रोडक्ट ठीक उसी तरह ये जो है आपका ये बेंजीन है. बेंजीन के साथ जो है मेथिल क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो यह है एक रिएजेंट का फॉर्मेट करता है और यह जो है दोनों आपस में ठीक है सब्ट्रैक्ट एंड रिएजेंट रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म देते हैं उसको जो है प्रोडक्ट कहते हैं. जिसे हम ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है इसको जो है कि हम टॉलुइन के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं टॉलुइन बोला जाता है. बात समझ में आ रहा है. तो इसको हम टॉलुइन बोलते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं. इस ऑर्गेनिक जो है रिएक्शंस के अंदर के आधार पर जो है सब्ट्रैक्ट एंड रिएजेंट के अंदर में जो है वेरियस टाइप्स के जो है कंडीशन देखने को मिलता है जिसमें जो है यह न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक का ही इस ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर में हम स्टडी करते हैं. तो ये जो दिखाई आपको दे रहा है न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक. न्यूक्लियोफिलिक कहते किसे हैं तो इन दोनों को हमने एक्सप्लेन किया है और बोर्ड्स पर भी हमने राइट करके रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक कहते कैसे हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक के रिएजेंट्स दैट द इन एंड द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ऑफ द ओके रिएक्टिव साइट्स इज द कॉल्ड द न्यूक्लियोफिल. यानी कहने का मतलब यह है कि कोई यह सब्सटेंस है CH3 और ये Br से लिंक्ड है. अब ये जो है ठीक है ये पूरा कंप्लीटली ब्रेक कर जाए और ब्रेक करने के बाद यह जो है CH3 पॉजिटिव और ये जो है Br इसके पास ये ब्रेक करने के बाद ये यानी सिंगल बॉन्ड कब बना है एक एक इलेक्ट्रॉनों का जब शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड का ये सिंगल ये पूरा कंप्लीटली क्लेवेज हो गया ब्रेक हो गया ठीक है. ब्रेक होने के बाद इस पर जो है निगेटिव चार्ज आ जाता है. तो जस्ट लाइक ऐसे इन्हें हम ब्रोमाइड आयन के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं ब्रोमाइड आयन के नाम से जानते हैं. तो यह ब्रोमाइड आयन यानी वह ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ठीक है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता हो ऐसे जो है सब्सटेंसों को हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं. इसे हम जो है एन यू ठीक है ये डबल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे जो है न्यूक्लियोफिल कहा जाता है. यानी जो किसी ठीक है एटम के न्यूक्लियस पर अट्रैक्ट करता है उसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सेकिंग करता है तो उन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है ठीक है तो उन्हें हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिल कहा जाता है. बात समझ में आया. तो यह रहा न्यूक्लियोफिल एंड द न्यूक्लियो ठीक है फिलिक आपने समझ लिया. अब नीचे है इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक कहते किसे हैं द रिएजेंट दैट ऑफ द टेक द वे एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑफ द रिएक्टिव ठीक है.
साइट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिल. ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि वे रिएजेंट, रिएजेंट यानी अभिकर्मक, यानी जस्ट लाइक एज ए बी आर. बात समझ में? यानी वे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, टेक लेते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ये लिया है ना, तो जो लेते हैं उन्हें हम जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिल कहते हैं. बात समझ में? जो किसी इलेक्ट्रॉन, जो किसी एटम के न्यूक्लियस पर, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनों की सेकिंग कर लेता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं. जस्ट लाइक एज ए, ठीक है, यह ले लिया, ठीक है, लेने के बाद यह न्यूक्लियोफिलिक हो गया, और ये जो है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव हो गया, तो इसको जो है हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, और यह जो है न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा. तो इसमें जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक को हमने ई पॉजिटिव से डिनोट किया, और न्यूक्लियोफिलिक को यह यानी यू, ठीक है, यह डबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग आर निगेटिव चार्जेस से डिनोट करते हैं. तो ऐसे जो है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो स्टूडेंट, ये पूरा पॉइंट को आपने समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं. इससे रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे. तो स्टूडेंट, टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द सब्ट्रैक्ट एंड द रिएजेंट, रिएजेंट विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक विथ एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक विथ एग्जाम्पल. स्टूडेंट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड चेक द सुनो. ओके, थैंक्स.